तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में दोस्तों हमने अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के साथ पॉडकास्ट करे और पहली बार आज हम पॉडकास्ट करेंगे एक डाकू के साथ <laughs> तो आज का पॉडकास्ट बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है डाकू डुओ ये असल के डाकू नहीं है ना कोई इनका इलीगल काम है ये एक डुओ है जो डीजेस का डुओ है और साथ ही इनकी मैनेजमेंट से हमारे साथ है वरुण दुग्गल भाई इनके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुद के भी है और टैलेंट मैनेजमेंट एक कंपनी भी है ट्यून मैन के नाम से ट्यून मैन एंटरटेनमेंट के नाम से जिनके ये आर्टिस्ट हैं डाकू डुओ इनमें से एक भाई अभी हमारे साथ बैठे एक भाई अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे और भाई अपना नाम तो रिवील नहीं करते नहीं। तो होलिये से आप इन्हें देख सकते हो बहुत ही चटक ऐसा पहली बार कोई बंदा पॉड पॉडकास्ट में लोग आते इसलिए कि यार मेरे मेरे काम से लोग जानते मेरी शक्ल से नहीं जानते जरा मेरी शक्ल दिखाओ और भाई पॉडकास्ट में ही शक्ल छुपा के बैठे तो भाई ये इसका सबसे पहले तो कारण बताओ कि क्यों फेस रिवील नहीं कर ड्रेस एक तो बेसिकली जो हमारी आईपी है डाकू तो हमने गेटअप एज अ न्यू स्कूल अर्बन डाकू टाइप थोड़ा डिज़ाइन करा जैसे मिलिट्री वेस्ट और इंस्टेड ऑफ कार्गो जॉगर्स नीचे फंकी स्नीकर्स और मेन पॉइंट फॉर कवरिंग द फेस इज कि एक तो जब बंदा डकैती डालने जाता तो शक्ल नहीं दिखाएगा ना पकड़ा जाएगा सो मतलब इट्स अ जोक बट मेन पॉइंट इज की दैट इज दर फॉर आर आई पी दैट एक्साइट्स पीपल दी एंड लाइक क्या दैट दई पी आपके डी जे प्रोफेशन में भाई ऐसा बहुत है कि मार्च में लोग अपना फेस नहीं दिखाएगा बहुत सारे लोग मास्क लगाते हैं ऐसा क्यों है मतलब क्या एक्साइटमेंट ही है कॉन्सेप्ट जो अब हमारा कॉन्सेप्ट है वॉट वी वॉन्टेड टू गिव इंडियन ऑडियंस अ न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो ऐसी भी चीज है वो सारा कुछ बाहर है कोई भी इंडियन एक्ट ऐसा कोई नहीं है जो प्रॉपरली हिडन आइडेंटिटी आई पी पे खड़ा हुआ हुआ है तो एक वो चीज है वो एक आपका, है। जैसे अलग एक्सपीरियंस की बात हो रही है वो तो क्लब uh, का माहौल सॉन्ग्स वहां पर लाइट्स वो सब ज्यादा बनाती रहा था डीजे का एक आउटफिट वॉट एक्सपीरियंस इज द कांड

कितना फर्क है मतलब एक नॉर्मल डीजे जो नॉर्मल ओरिजिनल्स बजाता है और आप क्या बजाते हो लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट इफ आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट लाइक जो हमारा भी स्टाइल है वी आर द ओनली वंस डूइंग दिस अब थोड़े बहुत मतलब न्यू मतलब न्यू डीजे जो पुराने डीजे साउंड बट वी आर द वंस हु यू कैन से ओरिजिनली इंडियन आई पी जो उस काइंड ऑफ म्यूजिक कर रही थी क्या म्यूजिक है वो क्या बेसिकली अ फ्यूजन ऑफ पंजाबी एंड गैराज एंड ड्रम एंड बेस सो इट्स मोर ऑफ अन से लाइक ऑल ऑफ मतलब आपके ऑडियंस को बहुत लोगों को पता होगा बॉयलर रूम होता है जैसे उसमें काफ़ी सेकेंड साउंड चलती है जैसे ड्रम एंड बेस हो गया और इंग्लिश वाले ड्रम एंड बेस इंग्लिश गैर एज ये सब तो हम क्या करते हैं जो मेन मोटिव है हम जो क्लासिक ट्रैक्स हैं एक तो हमें ना स्टेरियो खत्म करना है जैसे कुछ गाने थे नाक जैसे नाग है जाइप बना हुआ है कि वो सिर्फ शादी का गाना है अगर क्लब में ओरिजिनल बज जाता है तो यार कुछ लोग ना ऐसे क्या करते हैं यार ये तो शादी का गाना बजा दिया डीजे ने ये क्या कर रहा है uh -huh. तो वो स्टीरियो क्योंकि गाना वो बहुत लेजेंडरी है बस वो स्टीरियो बना हुआ है तो उनके वैसे क्लासिक ट्रैक्स को वी कम अप विद अ न्यू ट्रेंडिंग साउंड एंड अपकमिंग साउंड जिसकी वजह से वो वापस गाने आर इन पीपल आर अ न्यू साउंड और बहुत सा, काफी सारी ऑडियंस हमारे से कनेक्ट हो रही है लोग ऐसे गानों को में भी एक्सेप्ट कर रही जब आप एग्जैक्टली सो व्हेन वी प्लेड हमारे एक फ्रेंड है उसने बनाया था नाक का ही एडिट एम के करके है तो उसने ना हमें ट्रैक भेजा था एंड व्यवस्थर सपोज हमने अपनी नई आईपी लॉन्च करी थी फॉर शोज रेवोल्यूशन करके प्ले बॉय में अभी हमने रिसेंटली लास्ट फ्राइडे थर्ड एडिशन प्ले करा तो वो हमारी आईपी थी तो हमारा उस आईपी से मेन मोटिव यही था कि हम ऑडियंस को प्रॉपरली क्योंकि पता क्या होता है जब हम किसी और की आईपी में प्ले कर रहे हैं है। क्लियर करते हैं कि आईपी शब्दी क्या हो आई पी बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आइडिया या जैसे शो का कॉन्सेप्ट है जैसे वी एच सनबन है जैसे सनबन है तो सनबन इज ओन परसेप्ट तो परसेप्ट की सनबन एक आईपी है हमने जो अभी आईपी स्टार्ट करी है उसका नाम है रेवोल्यूशन okay. वो हम रेवोल्यूशन के नाम से शोज करते हैं जिसमें पूरा सेंटर स्टेज कॉन्सेप्ट होता है बॉयलर रूम की तरह पूरा 360 सिक्सटी रिकॉर्डिंग वगैरह होती है अभी हम अपने यूट्यूब चैनल में वो उसके सेट्स हमने रिकॉर्ड करे वो अपलोड भी करेंगे उससे पहले उसने जो मैं आपको फ्रेंड का नाम बता रहा था उसने एक नाक का एडिट बना के ड्रम एंड बेस का मेरे को भेजा एंड आई रियली लाइक डिट एंड देन नेक्स्ट डे हमारी गिट थी वो रेवोल्यूशन की लॉन्च थी हमने उस दिन वो गाना प्ले करा एंड देन वेंट फक इन वायरल वो गाना आज नाग पहले शायद मतलब क्लबों में चलता नहीं था दैट ट्रैक इज बीइंग प्लेड इन मुंबई मुंबई के क्लबों में चल रहा है नागपुर के क्लबों में चल रहा है बैंगलोर के क्लब में चल रहा है दिल्ली के हर क्लब में चल रहा है और उससे पहले नाग बजाना एक वो होता था कि भाई डीजे चूतिया इसने ओ सॉरी माय बैड नहीं नहीं आप गाली दे सकते हो डीजे चूतिया इसने नाग बजा दिया क्लब के अंदर तो एक तो मेन पॉइंट ये भी है कि क्लासिक म्यूजिक को न्यू साउंड के साथ वापस लाना है खासकर इंडियन म्यूजिक को

तो उनके गानों के भी हम ऐसे ऐसे रिमिक्स और अपने एडिट्स बनाते हैं जो ड्रम इन बेस साइड साइड गैरेज वाली मतलब थोड़ा उनको और मोर इंस्ट्रूमेंटल लेके जाते हैं भाई जो आपका ये होलिया है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है तो आई एम श्योर आपको क्लब में भी वो अटेंशन मिलती ही होगी अलग से ज्यादा ही फैंस चढ़ते होंगे आते होंगे कभी दारू पी के किसी ने खींचा नहीं कि भाई शकाल देखूंगा आज तो नहीं एक्चुअली बताया है हमें ये चीज पता थी कि ये आई साइट है ये बहुत आई कैची है तो ये चीज होगी तो हम कभी भी शो में विदाउट तीन चार बॉन्स के तो चलते ही नहीं का तो ही है टच हाँ, प्ले, प्ले, प्ले आज तक ऐसा नहीं कि हुआ <laughs> वरना कभी हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी अब इस पॉडकास्ट के बाद हो जाएगा पर ऐसे हो भी गया तो क्या ही है नहीं नहीं ये आई पी ये डाकू डुवो जो हमारी जो चीज है ये इस चीज के लिए है ही नहीं बेसिकली जब हमने डाकू डुवो सोचा था तो उसके पीछे एक रीजन यही था कि एक एक जो नॉर्मल यूथ है ना और एक जो एज ग्रुप जो क्लब्स में आपको दिखेंगे या फिर जो पार्टी करते हुए मिलेंगे वो अपने आप को ना गैंगस्टर वाइफ के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं इसीलिए अगर आप मूवीज देखो सॉन्ग्स देखो ये और मैं बहुत टाइम से टच में थे हम साथ चल रहे थे काम कर रहे थे तब ये कनाडा से वापस आए थे तो ये हम लोग बैठे हुए थे हम यही सोच रहे थे कि हमें इंडिया में ना कुछ नया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में

मैंने ये सोचा था कि मैं वहां शिफ्ट हो जाता हूँ वहां पर पढ़ाई वढाई करके पी आर वी आर लेके वहां पर डीजे करूंगा बट इट इंड मजा नहीं आया मला मला मजा क्या यार दोर दोर सुहाने लगते है हाँ। जितनी अच्छी लाइफ दिखती है वो होती नहीं है तो इतना मजा नहीं आया नहीं। नहीं। सो मैं ये सोचता था वहां पर कि जब हमारी कभी कॉल पर बात होती है भैया से यार भैया यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तभी म्यूजिक में तो कुछ कर ही नहीं पा रहा इतनी मेहनत में अगर जित मैं कॉलेज भी जा रहा हूँ मैं रात को जॉब भी कर रहा हूँ मैं सब कर रहा हूँ उसके बाद भी भाई मैं म्यूज़िक में तो कुछ कर ही नहीं पा रहा अगर मैं इतना टाइम इंडिया में वापस जाके म्यूज़िक पे दे दूँगा तो मे भी कुछ हो जाए बढ़िया तो फिर मैंने इनसे डिस्कस करा फिर मैं वापस आया था अपनी ब्रेक पे सेमेस्टर ऑफ लेके फिर मैं वापस ही नहीं, <laughs> तो नहीं, नहीं गालियां तो बहुत पड़ी थी बट मैंने उनको बस ये बोला कि एक एक दो दो साल दे दो, कुछ बढ़िया सा चटक आइडिया मिल गया अच्छा <laughs> वो मेरे को लग रहा है चल जाएगा तो थोड़ा टाइम देता हूँ आपको पैसे रिकवर करके दे दूंगा <laughs> अच्छा, और दे दिए टचवुड हाँ <laughs> अरे बढ़िया चीज कर दी हमने एक साल हो गया हमें लॉन्च बीन हर महीने हमारे मिनिमम बारह से चौदह शो एवरी सिटी इधर उधर इधर उधर चलते रहते कौन कौन सी सिटी में प्ले कर रहा है भाई आप मुंबई नागपुर इंदौर भोपाल चंडीगढ़ लुधियाना पंजाब की तो ऑलमोस्ट सारी सिटीज हमने कवर कर ली लिया और बैंगलोर जयपुर इंडिया के बाहर गए अभी नॉट राइट नाउ जाने वाले हैं बहुत जल्दी बहुत जल्द जाने वाले हैं वी एक्चुअली हैव अ ओरिजिनल ट्रैक कमिंग अप अच्छा तो वो उसके साथ हम फिर उसका टूर करेंगे भाई कोई क्लब का बढ़िया किस्सा बताओ इतनी जगह प्ले करके बैठे हो बैंगलोर मुंबई दिल्ली चंडीगढ़ कोई ऐसा कोई मौज मस्ती वाला या कोई बहुत तगड़ी बदमाशी वाला कुछ बताओ यार यार मस्त या बदमाशी वाला तो नहीं तुमने नहीं करी <laughs> <laughs> तो बदमाशी वाला हो जाए फिर <laughs> कभी कुछ कभी कुछ अभी मतलब रिसेंट भी हमारा मैं उस पर आर्टिस्ट का नाम नहीं ले सकता बहुत बड़ा किसी का मतलब लेकिन डिटेल ने बताओ की मजा बहुत बड़े पंजाबी सिंगर है तो उनके साथ हमारा शो डला था कॉलेज फेस्ट तो वीअर सपोज टू प्ले सपोर्टिंग एक्ट उनके लिए तो उनसे पहले हमारा एक्ट था हमारे बाद उन्होंने आना था तो पहले तो हम साउंड चेक पे गए पंजाब में था वो शो मैं सिटी भी, भी नहीं बोल पाऊंगा फिर वो ज़्यादा हो जाएगा हम साउंड चेक ले गए वहाँ पर पहले तो पचालीस पचास पुलिस की टीम आई हुई डॉग्स वॉग्स लेके और बॉम्ब बॉम्सकॉड वॉम्सकाड आया वो पूरी चेकिंग कर रहे हैं मैंने कहा चल ठीक है कॉलेज फेस्ट है हो रही होगी हम गए प्ले करना चालू करा प्ले कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजर ना स्टेज पे ही नहीं आ रहा बड़ी ये वियर चीज कुछ भी अगर ऑर्गेनाइजर को भी कुछ कहना है तो वो हमारी जो मैनेजमेंट है प्रतीक भैया वो उनको बोल रहे हैं वो हमें ऊपर आके बार बार कुछ बोलने के लिए आ रहे हैं बट ऑर्गेनाइजर स्टेज पे नहीं आ रहा और मेरे को जो सिंगर है अभी तक उसको आ जाना चाहिए था वो अभी तक आए भी नहीं तो मैंने उनको बोला कि जो भैया के पार्टनर है प्रतीक भैया उस दिन वो हमारे साथ थे शो पे तो मैंने प्रतीक भैया को बोला मैंने कहा यार हमारा सेट का टाइम भी खत्म होने वाला है वो इतना बड़ा आर्टिस्ट अभी तक तो, तो आ जाना चाहिए तो उनकी माइकिंग वाइकिंग ऑन होगी सब कुछ होगा तो भैया कहते हैं कि भाई उसको ना थ्रेट मिला हुआ है <laughs> कि स्टेज पे चढ़ेगा ओ मार देंगे और और हम प्ले कर रहे हैं उस टाइम पे स्टेज पे और भैया मेरे को कह रहे हैं कह रहे है वो ना ऑर्गेनाइजर भी इसलिए नहीं आ रहा कह रहा है भैया मेरी मैं कह रहा हूँ

सब वेट कर हमारे पे तो उन्होंने पूरा इंजॉय करा ही करा आ, सारे डाकू बने हुए थे में। <laughs> सब हमारे सब तो करा ही करा बट वो टाइम आ गया था कि सब वो पाजी का वेट कर रहे थे जो मेन सिंगर थे अब मेरे को भैया कहते भाई यहाँ तो ना निकल लो कहीं ऐसा ना हो क्राउड ही भड़क जाए क्योंकि यार हो जाता है आप किसी अपने आर्टिस्ट को जिनको आप चाहते हो आप सुनने जाते हो टिकट लेके बाय चांस वो शो में ना आए तो कभी चीजें उल्टी पड़ जाती है क्राउड गुस्से गुस्से में थोड़ा ऊपर ही चढ़ ऊपर ही चढ़ जाता है तो भैया ने मेरे को बोला भाई तू तो एक काम कर तू ना माइकिंग कर क्यों दस मिनट में आ रहा है और तुम लोग गाड़ी निकलो मतलब हम लिटरली मैंने माइकिंग करी गाड़ी में, <laughs> में बैठे ना आओ देखा ना ताओ उस दिन वहां पर बहुत सारे पेयल से हमें गिफ्ट मिले थे स्पॉन्सर्ड शूज वगैरह इतने सारे में गिफ्टिंग मिली थी मैंने कहा भाड़ में एक गिफ्ट दूसरे रूम में मैं फटाफट में गाड़ी में बैठा कंसोल से उतरे गाड़ी चलो भाई यहाँ से तो ये सब होती रहती है यार मतलब सिंगर आए आए नहीं वहां पर फिर हमें पता चला कि वो आए सिर्फ बीस मिनट के लिए लास्ट के बीस मिनट उनका डेढ़ घंटे का वैसे परफॉर्मेंस थी वो सिर्फ लास्ट के ट्वेंटी मिनट ने बहुत तगड़ा खोफ जमा रखा है, फिर। ये सीन है भाई। और ऐसा फिर क्लबों में भी कभी कभी होता रहता है यार ये मतलब वही सब कि कभी कोई बदमाश आ जाता है तो ये है वो है सिक्योरिटी कभी लड़ाई है ये सब बहुत आपसे रिक्वेस्ट करते हैं लोग भाई वो वाला चला दे यार करते हैं क्योंकि आप चलाते भी क्लासिक्स हो क्लासिक सारे भी क्लासिक्स नहीं चलाते हम बड़ा मतलब ब्लेंड करके चलते हैं अपने आप को क्योंकि हम ताकि हर टाइप की ऑडियंस को कैटर कर सके मतलब आज मैं ये बोल सकता हूँ आज हमारा जो सेट होता है उसमें जेंजी भी उतना ही नाचता है अगर उसमें थोड़े एज लोग भी आ जाए एजेड अंकल आंटी भी उतना ही नाचती हैं तो हम उसको ऐसा बैलेंस करके चलते कि कोई नाराज होके जा नहीं सकता है जो एजेड क्राउड है अगर मैं पुराने क्लासिक्स को भी न्यू स्कूल के साथ चलाऊंगा ना तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा उनको सुनने को उनके क्लासिक्स भी सुनने को देंगे उनके साथ जो जनसी होगा वो न्यू स्कूल बीट्स पे भी नाचेगा तो वहां पे भी हम थोड़ा खेल जाते हैं अच्छा भाई ये ही बताओ कि डाकू डुओ क्यों है क्योंकि आज तक तो हम ये सुनते थे कि सिंगल डीजे है और यार। सोल पर, सोलो परफॉर्म कर रहा है बट दो का क्या क्या फायदा और क्या नुकसान अगेन तो मैं आपको बताता हूँ अगेन जो मेन मेन हमारा इसके पीछे था कि वी वांटेड टू गिव एन एक्सपीरियंस तो हमें हमेशा ये लगता था कि जब भी आप इतने हमे को जैसे डीजे करते हो दस साल हो गए तो इतने साल जो मैंने ऑब्जर्व करा है कि डीजे ना हमेशा एक जगह मार खा जाता है या तो बिल्कुल परफॉर्मर बन जाता है उसकी मिक्सिंग ये वो इधर उधर जाती है मतलब वो फिर गुड डीजे नहीं होता मतलब वो स्किल्स थोड़ी लूज हो जाती है कि ज़्यादा अगर वो परफॉर्मेंस में चले गया अगर वो ज़्यादा स्किल्स में रह जाता है तो वो इतना क्राउड इंटरेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसका ज़्यादा टाइम उसमें जा रहा होता तो ये वाला गैप ख़त्म करना था कि हमेशा हमें एक बंदा इसलिए हमने दो बंदे करे कि अगर मैं प्ले कर रहा हूँ तो मेरा पार्टनर क्राउड इंट्रैक्ट कर, कर रहा है परफॉर्म कर रहा है जैसे ही वो गाना मिक्स करने आएगा तो मैं जाके क्राउड इंट्रैक्ट कर रहा हूँ ताकि वो एक्सपीरियंस एक एंगेजमेंट एक ऑडियंस के साथ बनी रहे ऑडियंस बोर्ड ना हो मेन पॉइंट डिफरेंस क्रिएट करना था बेसिकली हम लोगों को, को इंडस्ट्री के इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पिसाइजली डीजेइंग में हमें डिफरेंस एक ले आना था और जब हम लोगों ने ये एक्ट शुरू भी करा था अगर आप इनका कभी एक्ट देखो आप लोग कभी प्लीज़ कि अब जो नेक्स्ट शो आप जो नेक्स्ट शो हो रहा है आप आप हमारे सारे शोज में आओ ऐसे तो बट जब इन, जब इनकी जो एंट्री भी होती है वो भी इन्हीं का अपना एक पर्टिकुलर सॉन्ग है ऊपर ये लोग एंटर करते हैं मतलब okay. ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल डीजे है वो आया प्ले किया चला गया और वो आप देखोगे वो आज की डेट में हर क्लब में हो रहा है हर बार में हो रहा है एक डीजे आता है प्ले करता है कई लोगों को नाम भी नहीं पता होता वो अपने चले जाते हैं बट इन इनका हमने ना एक ये मोर देन डीजे आई वुड से कि ये एक एक्ट है पूरा अपने में और क्राउड के लिए भी ये बहुत ज्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस इसलिए होता है क्योंकि एक आप सोचो एक अगर आप विजुअलाइज भी करो तो एक डीजे प्ले कर रहा है चाहे वो कितना भी अच्छा बजा रहे हो हाँ और इनके साथ क्या होता है जब इनमें से इनका एक पार्टनर प्ले कर रहा होता है तो ये आगे माइकिंग कर रहे होते हैं क्राउड से बात कर रहे होते हैं क्राउड के बीच में होते हैं तो वही सेम चीज वापस आ जाती है वो गैंगस्टर वाइब उनको भी लगता है कि हम किसी डाकू वाइब में हैं गैंगस्टर वाइब में तो एक वाइब क्रिएट करी जाती है उस एक्ट के टाइम पे कि जब ये परफॉर्मेंस इनकी हो रही होती है अच्छा भाई आप क्योंकि एंटरटेनमेंट बैकग्राउंड से हो अब आप, आप आर्टिस्ट संभाल रहे हो जरा मुझे इस बिजनेस के बारे में बताओ कि क्योंकि भाई कॉपी बहुत होते हैं कॉन्सेप्ट एक मतलब दिल्ली में तो अभी जैसे हमने देखा था कि एक्स वाई जी क्लब में रशियन जा रही है अब दिल्ली के हर क्लब में रशियन जा रही है आ, एक क्लब में कोई डांस कर रहा है ऊपर से लटक के तो अब हर क्लब में तो ये तो फिर आपको नहीं लगा कि भाई ये तो यार कुछ टाइम में ही कॉपी हो जाएगा फिर मैं क्या करूंगा ऐसा नहीं है बिकॉज हम लोगों ने शुरुआत से ही अपने एक्ट को इतना स्ट्रांग करके चल रहे हैं और अगर, अगर कॉपी की अगर आप बात करें तो अगर आप लीगल टर्म्स में बात करें तो हम लोग बहुत सिक्योर्ड हैं हमारे साथ हमारी लीगल फॉर्म्स हैं जो हमारे साथ रेगुलरली काम कर रही हैं अगर आप इनके अटायर की बात करें तो इनका अटायर से लेकर सब कुछ हम लोगों ने रजिस्टर करवाया हुआ है अच्छा। एज पर द लॉ कि कोई कॉपी नहीं कर सकता असली डाकू ये डालने वाले यही है <laughs> और आ गया। तो पिटाई नहीं होगी लीगल पिटाई होगी तो और हम लोग सारे अपने एक परिवार की तरह रहते हैं आपस में बिल्कुल फैमिली की तरह जैसे आप तीन हो ऐसे हमारी जो पूरी ट्यूनमेन एंटरटेनमेंट है वो एक परिवार की तरह हम लोगों ने अपने आपस में रखी हुई है तो और जो भी हमारे जो एक्ट डिसाइड होते हैं और मैं आपको एक बात बताऊं हम लोग प्लान भी इस तरीके से करते हैं जैसे आज हम अगर नाइट क्लब में परफॉर्म कर रहे हैं तो कल शायद ये किसी हाई एनर्जी बार में परफॉर्म कर रहे होंगे तो हमारा जो एक्ट होता है वो नाइट क्लब में डिफरेंट ये दे 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 इनकी परफॉर्मेंस होती दे है दे 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 और एक वाइब मैच करनी बहुत जरूरी होती है डीजे का काम मेरा ये मानना है जब हम लोग ये शुरू भी कर रहे थे और इसके ऊपर हमने बहुत मेहनत भी करी इनका अटायर तो खैर डे वन पे ही डिसाइड हो गया था क्योंकि नाम डाकू था तो अटायर तो डे वन पे डिसाइड हो गया था बट एक्ट को कैसे परफॉर्म करना था ये हमारे लिए बहुत जरूरी था तो हम लोगों को हमेशा यही लगता था और ये खुद भी डीजे रह चुके हैं विदाउट दी डाकू डुओ थिंग तो हम लोगों को यही लगता था कि uh, इसके अंदर हमें जान डालनी है तो मोर देन डीजे हम परफॉर्मेंस में ज्यादा फोकस कर रहे थे भाई आप लोगों ने ये अलग परफॉर्मेंस अलग एक एक्ट सा बना रखा है भाइयों के लिए आ, बॉडी गार्ड भी सही होते हैं आपको Bodyguard कि वो, तो ये, ये ज़्यादा खर्चा करवा रहे हैं आपका तो इतना तो है मैं ये तो नहीं बोलूंगा <laughs> नहीं बन पा रहा बट भाई, भाई, भाई ये तो डाउन जा रही है ठीक भाई. भाई नहीं नहीं, जा रही है बट अब हम इनका अपना इनका एक ओरिजिनल सॉन्ग लेके आ रहे हैं तो मेहनत अभी इनपे हो रही है जब हमारा बनाने का टाइम अभी ये बना ले पहले इन्होंने कैनेडा छोड़ा है हमारे लिए तो पहले इनका बनाने का ज्यादा जरूरी है तो अब हम इनका ओरिजिनल सॉन्ग लेके आ रहे हैं जो कि अभी शूट हो रहा है धीरे धीरे तो जब वो फाइनल एडिट होगा हम आपके साथ जरूर शेयर करें ट्रैक पूरा रेडी है, है तो वीडियो करनी है ट्रैक ऑडियो हम रेडी कर चुके हैं सब कुछ है

जहाँ पर अब क्या होना शुरू हुआ है कि जैसे यहाँ पर दिल्ली में वगैरह में सीना की प्रमोटर कंपनीज़ होती हैं वो इवेंट्स कराती है तो अब जो यहाँ से मतलब वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं अब वो लोग धीरे धीरे ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि वो जो छोटे छोटे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं उनके साथ टाइप करके इंडियन पार्टीज़ कराना सूफी नाइट्स ये वो शुरू हो रही हैं बाकी एज सच वहाँ पर इन क्लब्स ऐसा नहीं है बट हाँ जैसे कैनेडा वगैरह में जैसे दिलजीत पाजी हो गए अपना एपी पी हो गए ये सबके तो टोर्स पंजाबी सिंगर्स के टोर्स बड़े शोज होते हैं क्लब में वहाँ पर ऐसा सीन क्लब में उनका म्यूजिक बच जाता है बीच बीच में हाँ मतलब बहुत रेयर रे, रे, जैसे मुंडिया तो बचके बच गया एक आधा वो तो हर जगह एग्जैक्टली वही 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 वाले ऐसा सच नहीं कि अगर पूरे अगर प्रॉपर हिप हॉप नाइट चल रही है वहाँ की इंग्लिश म्यूजिक की तो उसके अंदर कोई पंजाबी गाना ऐसे नहीं चलता और अगर क्राउड कंपैरिजन की बात करें यहाँ के की और कनाडा की तो वो कैसा है मतलब पे भी क्योंकि कहते हैं ना बहुत अपने बंदे वहाँ पे बहुत है तो वो फुल मैक्सिमम पंजाबी भाई है हमारे वहाँ पे तो वो आ, वो भी हिप हॉप ही सुन रहे हो डिपेंड करता है आप किस क्लब में जा रहे हैं म्यूजिक है म्यूजिक हर तरीके का वही कह रहे जो छोटे छोटे वाले वो वेन्यूज है जब जिनको पर्टिकुलरली वो चाहिए तो फिर वो उन वेन्यूज जो मेन नाइट वहाँ पर नाइट क्लब्स में ये म्यूजिक नहीं है जो पंजाबी म्यूजिक वगैरह है अभी वहाँ पर हाई एनर्जी बार्स वगैरह उस सब साइड में चलता है और वो कब कब तक तक बचते हैं हैं पार्टी करते हैं, ना ना वहाँ पर आ, सिर्फ नाइट क्लब्स लेट तक चलते हैं वहाँ पर भी आ, एक एक दो बजे का वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है जो हाई एनर्जी बार्स है वो बंद हो जाते हैं और बाकी नाइट क्लब्स सुबह छः बजे नाइट क्लब्स हैं कुछ कुछ नाइट क्लब्स के पास जैसे डाउन में जो है उनके पास तीन से साढ़े बजे की अलाउेंस है और जो आउटर सर्कल में होते हैं वो लेट तक चलते हैं। जो मतलब, किस ले <laughs> तो पर बहुत ही ओपन है अगर अब यहाँ पर ओपन हो गया है तो वहां तो मतलब बहुत ही ओपन है उससे ज्यादा आप कह रहे हो बहुत ज्यादा यार

आपके भी जगह जगह रेस्टोरेंट है उसके बारे में बताओ क्या सीन चलता है कौन सी कंट्री में आपको पर्सनली वैसे काम करने में ज्यादा इजी टू ऑपरेट और अच्छे लोग अच्छा स्टाफ ऐसे मिल जाता है इंडिया अच्छा मतलब हर जगह घूमने के बाद यही बोलूँगा कि अपना देश अपना ही है प्रोसेस थोड़े से डिफिकल्ट हैं ऑफ कोर्स इंडिया में थोड़ा सा चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं कहीं मतलब लेकर लाइसेंस लेना और वो सब कह रहे प्रोसेस डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल कंट्रीज वहाँ दूसरी कंट्रीज में क्या होता है कि थोड़ा प्रोसेस इजी है बट आ, कुछ भी आप बोल लो इंडिया इंडिया ही है मतलब कौन सी कौन सी कंट्रीज में आपका बिजनेस है अभी दुबई है ओमान है कुत है कतर है लंदन है कनाडा है इंडिया के बाद आपको सेकंड नंबर पे कौन सी दुबई क्योंकि वहां बहुत इंडियंस है इंडिया की तरह है इसलिए या फिर वो थोड़े वेलकमिंग है बिजनेस उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे थोड़ा सा बेटर है थोड़ा क्या काफी बेटर है पॉपुलेशन कम है मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा एक रीजन है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आ, हमसे बेटर होने का हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इस वजह से थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट लैक कर जाती है बाकी आ, उनके प्रोसेस ईजी हैं वहाँ पर आपको नॉर्मल गवर्नमेंट को अपने जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अपना आ, रिक्वेस्ट देनी है कि हमें ये जगह खोलनी है या फॉर एग्जांपल अगर इनका भी शो है तो हमें ये शो करना है हमारे लिए परमिशन इजी है वहाँ पे। आ, थोड़े चक्कर कम है बट कंपनीज़ जो हैं जो हेल्प करती हैं हमें वहां पे लोकली किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में कंपनीज वहां पे भी हैं इंडिया में भी हैं हेल्प हमें हर जगह मिल जाती है जो लोग ये काम करते हैं जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं हमारे अब चाहे वो इंडिया हो चाहे वो इंटरनेशनल हो आपको एक एक एडवाइजर की जरूरत हमेशा हर जगह पड़ती है तो वो हम हमारा काम चल जाता है बट इंडिया के अंदर क्या है कि हम अगर किसी अथॉरिटी के पास भी जा रहे हैं तो हम कनेक्ट कर पाते हैं इंटरनेशनली कई बार लैंग्वेज बैरियर होता है कई बार रिलीजन बैरियर होता है हमारे साथ तो हम उसमें हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी है, है, है आप नहीं करते हमारे रेस्टोर है वहां पे लेकर बैन है आप लेकर सर्व नहीं कर सकते तो नहीं करते तो, तो एक मतलब वो कंट्री का है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है वो पूरे देश के लिए है तो वो हमारे और अगर किसी के रिलीजन में शराब हराम है तो वो हराम है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं ग्रेसफुली और हम लोगों को उसमें ऐसा नहीं है कि कोई जहां पे अलाउड है वहां अलाउड है वहां पे हम सर्व भी करते हैं दुबई के अंदर भी अगर आप देखें तो जो स्टैंड अलोन जगहें हैं वहां पे अलाउड नहीं है बट जो फाइव स्टार या होटल्स के साथ बाउंड्री ट है वहां पे अलाउड है तो उन्होंने हर कंट्री का एक अपना रूल होता है एक अपनी रेगुलेशन होती है और आपको फॉलो करना होता है जैसे आप इंडिया के अंदर भी अगर एक टाइम रिस्ट्रिक्शन है जिस समय तक आप चला सकते हो आप उस समय तक चलाइए उसके बाद अगर आप चलाएंगे तो गलत आप ही है सही है भाई भाई मैं चाहता हूँ अब हमारे डाकू डुओ का जो डुओ है वो पूरा हो जाए तो वरुण भाई मैं चाहता हूँ कि भाई को हम बुला लेते हैं यहाँ पे बिल्कुल है ठीक है आ, अब आप डाकू के साथ मस्ती करो और थैंक यू भाई आप इतने स्केड्यूल से टाइम निकाल मच भाई आप लोगों ने हमें बुलाया ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है नहीं भाई आप ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो ऐसे लोग नजरों में आते हैं तो हमें मन करता है कि भाई जरा इनसे चेहरा तो ऑफ कैमरा ही देख पाएंगे पर बात तो 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 करें कि समझे तो सही क्या चल रहा है है बिल्कुल बनता भी है। तो अब डाकू डुओ को कंप्लीट करते हैं और हम आपसे जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट शो में डन भाई आप ऑडियंस से कुछ जाते कहना चा, बोलना चाहते हो ऑडियंस को तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप आओ डाकू डुओ को देखो एक्सपीरियंस करो हमारे एक्ट को मजा तभी आएगा और क्या करते हैं ये लोग स्टेज पे वो ज्यादा अच्छा है आप लोगों के देखने के लिए डन है भाई चलो जी तो भाई फाइनली हो गया है डू कंप्लीट हमारे दूसरे भाई भी आ गए जो ना चेहरा दिखाएंगे ना नाम बताएंगे भाई आपको जो पट्टा ने लूज रहा आपका चेहरा दिख जाएगा हमें मत कहना ऊपर <laughs> कर लो देखो भाई आपको सांस आ जाती है इसमें आ, आराम से हाँ ये है तो मतलब पर भाई परफॉर्म करते हुए तो बहुत दुर्गति नहीं हो जाती होगी कभी सही होता हूँ एक तो इतनी भारी जैकेट ऊपर से हेड भी बंद बंदा हुआ ये भी यू पसीने ताँ 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 तो कभी कभी ऐसा होता है <laughs> <laughs> फिर हम यू टिश्यू से खुद ही प्ले करते भी कर थोड़ी आप दोनों की बात करते है कि आप कब मिले कैसे आपने डिसाइड किया कि भाई ये ही स्टार्ट करना है साथ में थोड़ा बताओ तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि प्लान ये वाला डाकू का आइडिया वरुण भी क्या शुरू हुआ था बट हम मिले थे अपने कॉल भाई भी भाई वैसे है कहा से बताओ भाई वैसे पंजाब से मैं हूँ दिल्ली से और मिले कनाडा में कॉलेज कॉलेज में ओके okay. तो तो अपना था था मैं गया हुआ बिजनेस भाई भाई भाई, 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 आप बताओ बताओ तो ऐसा हुआ कि सीन हम कॉलेज में जाते थे हेडफोन लगे होते थे तो भाई और भी चिल कर रहे होते थे किसी ने बताया कि यहाँ पे ना एक प्रोड्यूसर है तो मैं भाई से मिला तो हमने सेम मैंने कहा यार कहते कि चलो हम मिलते हैं

तो ये चीजें होती रहती है अच्छा हाँ फिर हाँ तो फिर भाई हम दिल्ली आए तो वरुण भैया से मिले तो डाकू बनना है हमने मैंने 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 हाँ। कहा यार चलो नाइस ब्रो वरुण भैया ने जब डिस्कस करा तो भैया ने कहा तेरे पास है कोई दूसरा बंदा हाँ। तो मेरे दिमाग में भाई आया मैंने भाई से शेयर करा आइडिया तो भाई ने कहा चलो चलो तो भाई आपको कितना टाइम हो गया था कनाडा में गए हुए पढ़ने ही गए थे आप भी छह महीने और वहां से तो लोग पंजाब से तो ऐसे जाते हैं कि भाई वापिस ही नहीं ना आना पड़े कोई भी जॉब ले लेते जैसे, हैं जैसे जर्नी चल रही है हाँ। तो दोबारा जाते हैं हम कभी कभी तो आ जाते हैं होते हैं तो तो आपको कैसे हुआ कि भाई मैं इंडिया जाके वहां पर डीजे ही बन जाऊंगी क्योंकि पंजाब वाले लोग तो सोचते हैं भाई वही रहेंगे वहां से ये भी ब्रेक भी आया था ना मेरे साथ ही हम बेसिकली हम क्योंकि वहां पर जब साथ में रहने लग गए थे तो हमने ना सेम फ्लैट ले लिया था हम रूममेट्स भी बन गए थे फ्लैटमेट्स बेसिकली तो हम दोनों ने सोचा था कि हम साथ में छुट्टी मार के आएंगे इंडिया क्योंकि इसको भी जाना था घर एक बार क्योंकि जब से हमने एडमिशन ली थी ना ये घर हो के आया था ना मैं घर हो के आया था तो ये भी वह छुट्टी के लिए था हमने सेम ही से सातवी सेमेस्टर ब्रेक ली थी कि सेमेस्टर फिर आगे पीछे हो जाता ये बाद में छुट्टी लेता है मैं लेता और रहते भी हम साथ में थे तो इसलिए हमने साथ में ही सेमेस्टर ऑफ लेके ये अपने पिंड गया था पंजाब मैं आया था दिल्ली फिर यहाँ दिल्ली में प्लानिंग हुई मैंने इसको कॉल करा भैया ने बोला मीटिंग रखवा तू मेरी इसके साथ फिर ये आया मीटिंग करने ऐसे ऐसे

क्या हुई भाई बताओ यार <laughs> डाकू को किसी ने लूट लिया भाई भाई <laughs> भाई <laughs> <देखे>। <laughs> वाला इतनी हो रही है आ, भाई हम ना जैसे मैंने अपने घर से आ रहा था तो बाजी आज ना हम चल करते हैं हमें सुबह जयपुर जाना टाइम है।, <laughs> है हमारे पास एक्चुअली वो थर्सडे था फ्राइडे को शो था फ्राइडे को शो सैटरडे को शो फ्राइडे नाइट थी और फ्राइडे फर्स्ट टाइम खाली हुआ था

रियल लेके भाई मेरे को कह रहा है तू अपनी गाड़ी का पीछे का शीशा खुला छोड़ गया मैंने कहा नहीं मैं साइड में शीशा टूटा हुआ गाड़ी का ओ? मैं मैंने बोला मैं कहा यार शीशा मैं আস্তে আস্তে बोल रहा हूँ मैं कहा अरे यार पाजी यार शीशा खुला छोड़ दिया फिर हंसते-हंसते कह रहा है हंसते-हंसते कह रहा तेरा शीशा टूट गया मैंने बहन शीशा टूटा छोड़ अंदर तो था क्या जो लेके गया पहले वो तो देख तोड़ा किसने क्यों है इसका लैपटॉप था इसको भाई को होश ही नहीं की रख के गया हुआ है अरे भाई <laughs> भाई अक्सर होता है रखे हुए लैपटॉप हो और भाई आयरनी इस कि भाई ने जस्ट एक दो मिनट पहले, पहले बोला है कि भाई हम डाकू हमें थोड़ी कोई बोलेगा <laughs> भाई यार ये तो गलती सी <laughs> भाई बड़ा तगड़ा एकदम से कर्मा हिट गया भाई बात ये थी कि हम ना जैसे घूम रहे हैं मैंने कह रहा कह रहा से ना लेता। मैं कह, दिल्ली में ये भी होता है ठेके के साइड में भी बाद में रात को बोल रहा है मैं कह, दिल्ली में ये भी होता है <laughs> सबसे भी ठेके से शराब ली मैंने कहा भाई है ना सैलेड भी मिलता है सैलेड लिया कह रहा वाह यार, यार आते हैं पंजाब से तो नहीं हूं ऐसे करके बाहर आए दिल्ली में ये भी होता है जैसे देखो कह रहा भे? दिल्ली में ये भी होता है मतलब <laughs> बहुत फनी स्टोरी और मैं हस रहा हूँ कुत्तों की तरह कह रहा है भाई मेरा लैपटॉप चले गया मैंने कहा भाई रुक जा अभी ये सारा एकदम से हुआ है ना सब कुछ मेरे को हंसी नहीं रुक रही भाई अच्छा भाई थोड़ा ना ये बताओ जैसे घर वाले कैसे रिएक्ट करते हैं कोई उनसे अगर पूछता है कि बेटे क्या करते हैं तो वो क्या वो मतलब वो क्या बोलते हैं तुम लोग को कैसे करते हैं मेरा बेटा डाकू है क्या कहते हैं मैं आपको सही बताऊँ मैं पर्सनली इस मामले में घर वालों को मेरा पता है मेरा प्रोजेक्ट मेरे को फॉलो करते हैं इंस्टा पे डाकू डू को भी और मेरा जो दूसरा एक नॉर्मल आइडिया है उसको भी तो बट कभी ऐसे उस बारे में बात नहीं होती <laughs> मैं बस ये बोलता हूँ हाँ जी आज मेरी यहाँ के, के मैं जा रहा हूँ कहते अच्छा बेटा आज यहाँ आज यहाँ बस इतनी बात होती है तो घर से ऐसे निकलते हैं वहां पहुँच के तो जाता है। नहीं नहीं कैसे नहीं, तो पर... में के इसका भी एक बड़ा बढ़िया वो है मजा हम पता क्या करते हैं हम ना तेज है थोड़े से अब हमें शराबी भी नहीं होती है जब प्ले कर रहे हैं और हम अब क्योंकि ये है तो प्ले करते हुए शराब नहीं पी सकते तो प्ले करने से पहले कटकनी बढ़ती है शराब टाइम होता है कम और हम पीते सिर्फ ये भी तो हम ना जाते हैं क्राउड में नॉर्मल अब किसी को शक्ल तो पता ही नहीं है कौन है क्या है क्या, है, क्या नहीं है हम क्राउड के बीच में घूम रहे होते हैं मैं शराब पीते हुए बातें कर रहे हैं लोग अरे डाकू डूको भागे मैं बोल रहा हूँ अरे मेरा दोस्त बता रहा था पंद्रह मिनट में आ रहे हैं अच्छा। ऑर्गेनाइजर है मेरा शराब पीते इधर जा रहे हैं कुछ हो रहे हैं मतलब एकदम क्राउड के बीच में ही उनको पता ही नहीं है ये बोल दे खत्म होते आ जाएंगे देखता रहिए <laughs> सबसे मेन एक बार ही क्या हुआ और सबसे बढ़िया क्या होता है हम प्ले है, एक बार तो क्या हुआ भाई एक बंदा हमारे साथ खड़े होके हमारी बेस्ती कर हमारे कोई क्या कह रहा कह रहे हम ना एक्चुअली बात कर रहे थे ऐसे करते शराब पी रखी थी ऑलरेडी एक बॉटल पी चुके थे प्ले करके उतर गए थे

हमारा पॉइंट ये होता है कि हमारे सेट में जेंजी बंदा भी खुश रहे हर टाइप का बंदा रहे जो बॉलीवुड सुनने में आए उसको भी अपने मतलब का थोड़ा मिले जो पंजाबी सुनने हैं उसको भी अपने मतलब का मिले तो हम सारा उस हिसाब से चलते हैं तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि जब हम एज अ क्राउड घूम रहे होते हैं ना तो हमें नेचुरल फीडबैक्स पता चलते हैं ऑरिजिनल ये नहीं कि फेक जब अच्छा होता है तो बहुत अच्छे फीडबैक्स नेचुरली पता चल जाते हैं घूमते हुए है, जब कहीं बाई चांस कहीं फकअप होता है कुछ होता है तो वो भी पता चल जाता है कि हाँ यहाँ इस वाली ऑडियंस को ये चीज़ नहीं अच्छी लगी तो ये एक फायदा भी है इस प्रोजेक्ट का भाई अच्छा थोड़ी आपकी कमाई की बात करते हैं कि मैं नहीं, नहीं कहूंगा कि कितना डाकू चोरा रहे हैं डाकू कितना कमा रहा है कितना कमा रहा है डाकू ये तो बड़ी क्रिटिकल सी कर दिया आपने नहीं। नहीं। <laughs> एक हार रफ फिगर हो जाए मैं अभी राइट नो देखो अभी राइट नो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारे एक साल की कॉलेज की फीस थी वो एक महीने में आ जाती है कितनी थी कॉलेज? ये तो बता दो कितनी थी मतलब आज के टाइम पे अगर आप कनाडा की कोई कॉलेज की फीस लगाओगे तो साल की जाती है अच्छा। कुछ भाई के भाई के भाई भाई, 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 फिर आप बट आपकी है उस हिसाब से मतलब दिन रात का पता नहीं या फिर चिल करने का भी टाइम मिलता है क्योंकि अभी ओरिजिनल भी आप बना रहे हो क्या आपको सही बताऊँ कल हमारा देहरादून चौधा देहरादून शो करा वहाँ शराब वराब पी प्ले करा प्ले करते ही कैब में बैठे कैब में बैठ के यहाँ आए यहाँ पर आके घर गए ऐसे डुलते डुलते घर गए हैं नहाए हैं फ्रेश हुए हैं खाना खाए हैं और यहाँ के लिए आ गए अब यहाँ से आज क्या डे हो गया एक तो दिनों का भी हिसाब नहीं रहता क्या डे आज थर्सडे हो गया ना अब आज जाऊँगा मैं कल हमारा शो है कल के शो के लिए हम प्रिपेयर करेंगे थोड़ा थोड़ी सी नींद लेंगे फिर कल शो फिर परसों शो प्रेपरेशन में क्या क्या आता है भाई यार हम बस ये चाहते होते कि कभी भी ऑडियंस को हमारा ये ना लगे कि बहुत बार ना क्या होता है डीजेस का कि एक बार उनको पता चलता है ना ये सेट मेरा हिट हो गया मतलब ये ट्रैक्स की ऑर्डर वाइज ये सीक्वेंस पसंद आ गई तो लोग चेंज नहीं करते उसको ये वो सोचते हैं कि भाई ये तो हर बार चल जाता है इसको ही रखते हैं तो हम चाहते होते कि हमारा कभी भी कोई बंदा ये नहीं बोले भाई कि जो कल भी सुनने आया था कि भाई कल भी यही बजा के गया डाकू आज भी यही बजा के गया लेकिन ऐसे तो रिपीट करते हो ना हफ्ते में मतलब दस दिन में

तो वो भाई लेकिन जैसे दो दिमाग काम कर रहे होते हैं तो ये कैसे होता है कि ये वाला गाना चलेगा या वो वाला गाना चलेगा या भाई जैसे अभी आप लोग दोनों परफॉर्म करते हैं आपका एक्ट का पार्ट है एक बंदा प्ले कर रहा है एक बंदा क्राउड वर्क कर रहा है आगे जा रहा है जो भी उनसे इंटरेक्ट कर रहा है तो वो आप में से कौन करता है या दोनों करते हो क्या होता है दोनों करते हैं जैसे पहला गाना जैसे ही हमारा एंट्री ट्रैक बजा तो पहले मैं परफॉर्म करता हूँ ठीक है पीछे से फिर फिर ये आगे जाता है फिर ये माइक संभालता है फिर मैं पीछे से प्ले करता हूँ बट ज्यादातर माइकिंग पे मैं रहता हूँ आप ज्यादा एंटरटेन करते हो अच्छा आपको ज्यादा शौक है लड़कियों से आगे बात करने का लड़कियों वाली जगह ज्यादा देखिए <laughs> थोड़ा ये तो होगा कि यार इतनी सुंदर लड़की मैं मेरा मुंह भी नहीं, 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 नहीं देख पा रही नहीं मैं है बस ये इसलिए आगे जाके नाच लेता चार पांच पैक ज्यादा पी लेता ना जो ज्यादा आ जाता है तो ये, ये नहीं कल, हुआ फील हुआ कि यार बताओ इतनी सुंदर लड़की है डीएम भी नहीं कर पाएगी मुझे पहचानेगी कैसे यार यार अभी तो मैं कमिटेड भी हूं तो मैं कुछ बोल दूंगा तो आप तो सिंगल हो भाई आप भी कम सिंगल सिंगल हूँ तो आप क्या पर्ची बांटते फिरते हो भाई फिर ये चालू करो भाई को आगे रखो आप पीछे ही रहो भाई सिंगल है आपका तो हो रखा सिस्टम हाँ। ये बात भाभी तक पहुंचनी चाहिए <laughs> नहीं बट ये हम बहुत बार डिस्कस करते हैं बहन चो बंद अगर देख भी रही हैं वो आगे से होता है बहुत बार कि की फ्लर्ट भी करती है हम कुछ कर ही नहीं पाते भाई, तो तक कपड़े बदल के आते हैं अब हम बता भी नहीं सकते हम घूम रहे होते हैं यूं ही देख रहे हैं

तो फिर वो आप नहीं पीते अवॉइड करते अवॉइड कर करते कभी कर कभी जल्दी जल्दी नहीं जल्दी जल्दी भी नहीं बनना कभी कर क्या करते जैसे कंसोल है टेबल जाते नहीं जाते फट अपनीप्ट नहीं, 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 नहीं। तो अच्छा करते हो तो आसपास बहुत सारे लोग आपको घेर के खड़े होते हैं कोई ऐसा नहीं है डीजे के कंसोल पे छेड़म छाड़ी कर रहा है यार कोई बटन दबा दिया बटन अरे बटन छोड़ो भाई यूं ऐसे कंसोल है हम यू प्ले कर रहे हैं दो बंदे यूं वेब से कैचम कैच खेल रहे हैं। अच्छा? यू ऊपर से जा रहे हैं वेब में यू प्ले करो यू वेब जा रहे हैं मैं बहन तो क्या कर रहे हो भाई? <laughs> <laughs> तुम भी जल्दी <नहीं> लिया करो। <laughs> बहुत क्या बोलूं मैं भाई इस मामले में बहुत लोग चूतिए होते हैं कुछ ना बहुत तंग करते हैं। ये बहुत लोगों की आदत है डीजेस को बहुत करते हैं। भाई होता ही चुल करने का यार किस्सा तो क्या ही है ये, ये लोग जाते हैं। बोलते ये चला ये चला कितनी एक बार तो क्या हुआ बंदा ना बार बार चढ़ रहा है मैंने बाउंसर से उसको साइड करवा दिया वो इस साइड से सा आने लग गया फिर बाउंसर से मैंने इस साइड से साइड करवा दिया वो फिर तो सामने से कूदने लग गया यूं यू

फर्स्ट ही जलंधर था नहीं नहीं जो हमारे मतलब अपने पहला बेस्ट गया था जलंधर जो, तो तो हम... जो हम सुनाना चाहते थे ऑडियंस को और ऑडियंस ने बढ़िया रिस्पॉन्स बढ़िया बढ़िया मतलब ऐसा कौन सा गाना है भाई जिसपे एकदम बजता है तो लोग कहीं भी वो क्लब में पागल ही हो जाते हैं बड़ा नाग बड़ा नाग वही जो मैं आपको नाग का रिमिक्स नहीं बताया था जो मेरे फ्रेंड का है वो वाला मतलब वो तो अब पार्टी मतलब वो किकर की, वो 100 उस पे पागल जनता ही होगी और और कौन से सिंगर्स और वो है जो लोग बहुत अच्छा यार दिलजीत उनके तो कोई भी चला दो जनता पागल है एक एवरग्रीन हनी सिंह उनके पुराने गाने मतलब आज भी चलते हैं और जनता पागलों की तरह सुनती है बढ़िया रिएक्शन तो हमारा अगला शो हिट मतलब कि जो हमें लगा कि हमने सारा म्यूजिक चलाया

तो भोपाल इज जस्ट नेक्स्ट टू इंदौर तो हमें ये था हमारा जो पहला शो डला कि यार ये वैसा सही जाएगा कि हमें बॉलीवुड रखना पड़ेगा ज्यादा बट भाई वो शो इतना फाड़ गया मतलब उसने हम डाकू से टेक्नो वेकनो पता नहीं क्या क्या बजा के और जनता पागल इतनी एक्सेप्टिंग जनता मिली ना उस दिन हमें कि हम मतलब यही बात करते रह गए यार ये हो क्या गया हमारे साथ ऐसा तो हमें दिल्ली मुंबई बेंगलोर में ऑडियंस नहीं मिली जो हमें भोपाल में मिल गई वो जनता वोकल्स को उनको समझ आ रही थी वो ये सोचते थे कि आगे क्या आने वाला कि आगे ड्रॉप क्या आएगा गाने का मतलब और... ब्रो, 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 हमारा जो प्ले हुआ शो हुआ चार रहा रहा दिन पहले तो रेवोल्यूशन वाली आईपी का हमारा जो शो हुआ चार दिन पहले वो बहुत के कैस गया अच्छा अरे यार नेक्स्ट कहा जा रहे हो दो इस वीक फिर नेक्स्ट वीक है बैंगलोर और चंडीगढ़ फिर उसके नेक्स्ट हाँ सनबन भी हमारा होली पे होली पे हम लुधियाना में सनबन प्ले कर रहे हैं अरे वाह और 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 हम तलविंदर के साथ शो कर रहे हैं बारह तारीख को लखनऊ में तलविंदर भाई का भी ये है उनके भी फेस, 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 फेस तीनों उस दिन ऑडियंस किसी का फेस नहीं देख पाई <laughs> तो तलविंदर भाई के साथ हमने पहले भी शो करा देहरादून में अच्छा भाई वो बहुत बढ़िया कर रहे बढ़िया उनके भी बजाते हो आप सेट में अपने उनका हमने एक एक्चुअली रिमिक्स भी बनाया हुआ है वो अभी आउट नहीं करा वो हम यूज़ करते हैं ड्रम बेस रिमिक्स बनाया। हमने उनके गाने का तो बढ़िया उनकी परफॉर्मेंस इज वेरी गुड वेरी गुड और आपको आपकी फेवरेट क्लब या फेवरेट जगह कौन सी जहाँ बार बार जाके म्यूजिक प्ले करना चाहोगे जहाँ लोगों को भी आना ही चाहिए कौन सा क्लब बोलेगा सबसे बेस्ट अभी एक क्लब का नाम ले लेंगे तो धंधा खराब हो भाई है उस <laughs> सिटी में मैं दोबारा जाऊंगा जलंधर

बट म्यूजिक सीन थोड़ा यहाँ अलग है यहाँ पर इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते नई चीज़ दिल्ली में आ, अभी जो बाकी टा, टायर टू सिटीज हैं वहाँ पे वो न्यू म्यूजिक बहुत जल्दी ग्रास कर रहे हैं तो जैसे भोपाल मैं बोल सकता हूँ भोपाल हमें जाना वापस बड़ा मजा आएगा वो वाला क्लब भी बहुत, अच्छा, बहुत बड़ा हजार, की है जनता से कहूंगा की भाई जाके भाइयों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले ताकि आपको पता चलता रहे अगला शो कहाँ पर है और बस हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में तो भाइयों के जो लेटेस्ट सॉन्ग जिनकी बात हुई है इसमें उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में डिल बाय बाय सी यू लाइक कमेंट शेयर एंड डू सब्सक्राइब और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और किस टॉपिक्स पे आपको पॉडकास्ट चाहिए वो भी कमेंट कर देना भाई हम भी पढ़ते रहते हैं कमेंट जो आप रिक्वेस्ट करोगे वो आपके लिए आता रहेगा तो मिलते हैं भाई चलो टाटा बाय बाय